हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी असम के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो पोस्ट निकला है, लगभग 2000 पोस्ट, इस पोस्ट के अगेंस्ट में मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड किए हैं। आप सबको बताए हैं कि फास्ट अक्टूबर से वहां पर फॉर्म फिलअप होगा ऑनलाइन, तो आप वहां पर कर सकते हैं। एक 10th लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल तक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूँ इस कैटेगरी का इंटरव्यू किस बेसिस पे लिया जाएगा, आपका जो इंटरव्यू होगा रिटेन एग्जाम वो किसके ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उसका डिटेल्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये APDCL का जो एग्जाम है, इसके ऊपर में आपका जो भी सिलेबस होगा उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट के वाइज। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसका सिलेबस क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सबको पता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसमें ग्रेजुएट क्लास चाहिए था आपका, फिर ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट 12 चाहिए था, फिर लाइट व्हीकल ड्राइवर या 10th लेवल का था, सहायक था 8 और 10th लेवल का। तो फ्रेंड्स, इसी पोस्ट के ऊपर मैं आज आपको बोल रहा हूँ इसका जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखते हैं आपको किस चीज पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं सिलेबस आ चुका है। पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो ग्रेजुएट लेवल का है फ्रेंड्स, इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो में भाग किया गया है आपका जो टेस्ट लिया जाएगा। मैं पार्ट ए के बारे में पहले बात करता हूँ, जिसमें है सबसे पहला जनरल इंग्लिश, आपके इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिर जीके जनरल नॉलेज, फिर जनरल एप्टीट्यूड, फिर आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, फिर फ्रेंड्स जनरल मैथ्स। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अकाउंटेंसी स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स ऑफ डिग्री लेवल का भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट ए है उसमें से आएगा आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। फिर पार्ट बी है जो उससे आएगा आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं वो सबको पास करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी हम लोग जैसे पकड़ लेते हैं मैथ्स का ही, जनरल मैथ्स तो हम सब सबको आता है क्लास 10 स्टैंडर्ड तक, लेकिन उसको करने के लिए जो टाइम जो है वो सबसे जरूरी है। अगर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आपका जनरल इंग्लिश या जीके का या बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन रह सकता है। इसीलिए मैथ्स का जो स्टैंडर्ड है वो मैथ्स को करने के लिए कोई ट्रिक जरूरी है। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये मैथ्स का ट्रिक बताऊंगा इस बार APDCL का जो भी एग्जाम है उसके ऊपर मैं मैथ्स का ट्रिक दूंगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा। मैं जब ये अप्लाई तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 1 तारीख से शुरू होगा, होने के बाद साथ ही में आपका इस क्वेश्चन के ऊपर जनरल इंग्लिश बोलिए या नॉलेज बोलिए या एप्टीट्यूड या बेसिक कंप्यूटर, हर चीज के ऊपर या जनरल मैथ्स, इसके ऊपर मैं बहुत सारे नॉलेज दूंगा मैं आप सबको, और मैं आशा करता हूं आपको ये नॉलेज काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट, ये 12 लेवल का था। इसमें भी फ्रेंड्स मार्क्स रहेगा 100, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा। टाइम है फ्रेंड्स सब पेपर का 2 घंटे टाइम है, ओके फ्रेंड्स। तो ऑफिस फील्ड असिस्टेंट में क्या है देखते हैं, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल मैथ्स है ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो पेपर है थोड़ा अलग है। मतलब पार्ट ए का जो पेपर था असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, उसका ए पार्ट ही है यहाँ पर सिर्फ। तो ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट का मतलब पता चल रहा है बहुत इजी होगा। तो फ्रेंड्स, इजी है एक्चुअली। जनरल इंग्लिश में अगर आपका नॉलेज है, जीके में नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में भी थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है, और मैथ्स में फ्रेंड्स ज्यादा नहीं 20-25 मार्क का तो क्वेश्चन आता है मैथ्स में, उसका अगर आप 20 मार्क पकड़ ले तो फ्रेंड्स आप रिटेन एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये सेम ही कोर्स है, तो सबका सेम ही चीज रहेगा। आप देखते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसमें भी सेम है, जनरल इंग्लिश है, नॉलेज है, मैथ्स है, सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, ओके फ्रेंड्स, कंप्यूटर यहाँ पर जरूरी नहीं है। फिर उनको
मैटर्स रिलेटिव टू ड्राइविंग, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका जनरल इंग्लिश है, नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, और क्लास 10 स्टैंडर्ड मतलब क्या लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा किनका, सहायक। सहायक का भी सेम है, पार्ट ए सबका ही सेम है, लेकिन उनका साथ में लिया जाएगा आईटीए सब्जेक्ट का कोई भी ट्रेड, जो इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, वेल्डर है, फितर है या मशीनिस्ट है, उनके ऊपर मतलब क्या लिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 50 क्वेश्चन है जो सहायक है उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बाकी जो हेल्प करना है, मैं आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा जरूर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीना से शुरू होगा एपीडीएसएल के ऊपर क्लास, एपीडीएसएल के ऊपर कंप्लीट क्लास लिया जाएगा। फ्रेंड्स हम सब आपके साथ हैं, बस आप अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए, इस बार पकड़ लेना है, जॉब लेना है और क्लियर होना ही है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।